जयपुर जनाना अस्पताल जयपुर के सहायक कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे तक काम का बहिष्कार किया है। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहन चौधरी ने बताया कि सन 2012 में शौचालय, कैंटीन, महिलाएं कर्मचारियों का ड्रेस चेंज रूम की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को कई बार बता चुका है, लेकिन प्रशासन कोई भी तरह से सुन नहीं रहा है, उसके कान में जू नहीं रेंग रही है। अस्पताल प्रशासन द्वारा पिछले 8 साल से कर्मचारियों को कोलू का बेल बनाकर रखा गया है। हद तो तब हो गई जब कर्मचारी संघ के अध्यक्ष 2 दिन पूर्व अस्पताल प्रशासन से अपनी मांगों के बारे में बातें करने गए तो प्रशासन द्वारा मोहन चौधरी को डांट कर केबिन से बाहर निकाल दिया गया और यह भी कहा गया कि कर लो जो कर सकते हो। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मांगे नहीं मानेंगे। इसी से आहत होकर कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने इस कार्य का बहिष्कार कर दिया। पर आपको बता दें कि इस दौरान यहां पर मरीज परेशानियों का सामना करते हुए नजर आए। मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना इस कम समय में भी करना पड़ा। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे सुप्रिटेंडेंट के कार्यकाल 2012 से पेंडिंग पड़ी है। जायज मांगे हैं, नाजायज मांगे हमारी कोई भी नहीं है। बताने पूरी बताएं। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। खैर सहायक कर्मचारी तो कैसे जैसे करिए, यहाँ हमारे लेडी डिपार्टमेंट है, लेडी डिपार्टमेंट के लिए आज तक 8 साल से बाथरूम की व्यवस्था सुप्रिटेंडेंट नहीं की। नहीं हमारा कोई क्वार्टर बना रहे, नहीं हमारे लिए कोई क्वार्टर बना रहे और न ही स्टाफों को देखने के लिए कोई जगह है। पूरी बात जो भी आपकी जो मांगे हैं, जो अब तक आपने जो मैं मांगे रखी गई हैं, कब से आप ये मांगे रख रहे हैं? 2012 से हम मांग पत्र दे रखा, 2012 से समझौते कर रही है प्रशासन हमसे, लेकिन लागू कुछ भी नहीं कर रही। कागजों में लीपापोती कर देते हैं। आज आपने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे और क्या रणनीति? आगे हमारे महाशय प्रतिनिधि आए हुए हैं, वो आगे डिसीजन लेंगे, उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको परिचय दे दीजिए। मोहन चौधरी, राजस्थान सहायक कर्मचारी परिषद, 10 साल से मैं जनरल प्रेसिडेंट बनता रहा हूँ और जिला उपाध्यक्ष जयपुर जिले का हूँ, राजस्थान सहायक कर्मचारी। मोहन जी, मुझे आप ये बताएं, जो 2012 के अंदर आपने जो मांग पत्र रखा था उसमें आपने स्वास्थ्य मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया था उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं की, ऊपर के ऊपर दब जाते हैं। अभी जो आपने आज जो बहिष्कार किया है उसके आप जो ज्ञापन दे रहे हैं वो ज्ञापन आप SMS मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य को दे रहे हैं या कहीं और दे रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को देंगे, जिला कलेक्टर मोदे साहब को देंगे। कार्य बहिष्कार की बात क्यों आई ये बताओ आप। कार्य बहिष्कार की बात ऐसे आई सर, कल हम हमारे प्रतिनिधि दौर एक मैं मैडम से दो बात करने गया अपनी मांगों के लिए। मैडम बोली मेरे कमरे से गेट आउट हो जाओ, DA साहब से बात करो। हम DA साहब के पास गए, DA साहब ने बोला कि मैं तुम्हारा कुछ भी काम नहीं करूंगा, यहाँ से भग जाओ। तो हम सर आगे जाएं तो कहाँ जाएं? मैडम